आम परिवार से हैं, गरीब परिवार से हो तो डॉक्टर बन ही नहीं सकते। इसका मतलब बॉन्डिंग दे 8-8 साल की भी बॉन्डिंग होती क्या? और फीस कितने 20 गुना बढ़ा दी, कहाँ से बच्चा डॉक्टर बनेगा? 2005 से पहले एक ही मेडिकल कॉलेज था, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे। अब यहाँ पे सुविधा दी है तो इसका मतलब जी आप बॉन्डिंग करके और इतनी फीस बढ़ा के यहाँ के बच्चे फिर बाहर जाने लग जाएंगे। पोर्टल ने ही घोटाले किए हैं। आप किसान से पूछो किसी से, पोर्टल से नंबर आएगा उसका। पोर्टल ने ही घोटाले किए हैं। पोर्टल कई चीजों में ठीक है, हर चीज में पोर्टल करना है। पोर्टल सरकार है, पोर्टल से ही सरकार चलनी है तो मंत्रियों की अफसरों की क्या जरूरत है, वहाँ पोर्टल बैठा दो चलती रहेगी। जो सरकार ने जो किसानों के साथ वादा किया था वो वादा क्यों नहीं पूरा किया? देखो अभी तक तो मुकदमे में वापस नहीं किए, MSP को लीगल गारंटी नहीं दी, तो उनकी मांग तो है ही, हमारी भी मांग है। एक बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ जो छात्र धरने में बैठे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसका समर्थन दे दिया है। नहीं वो ठीक है, छात्रों की जो मांग है बिल्कुल वाजिब है। इसका जो जैसे बहुत सारा इसको हरियाणा के जो जवान बच्चों में हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो आम परिवार से हैं, गरीब परिवार से हो तो डॉक्टर बन ही नहीं सकते। इसका मतलब बॉन्डिंग दे 8-8 साल की भी बॉन्डिंग होती क्या? और फीस कितने 20 गुना बढ़ा दी, तो कहाँ से बच्चा डॉक्टर बनेगा? तो अब बहुत सारे ऐसे हैं जिनका एडमिशन हो गया है, वो डाइवर्ट करें अपने आप को, जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, तो इनको सरकार को तुरंत ये बॉन्डिंग पॉलिसी वापस लेनी चाहिए और फीस घटानी चाहिए। विधानसभा में इसका मुद्दा उठेगा? बिल्कुल उठेगा, हमने तो पहले भी उठाया था जब ये फीस बढ़ोतरी पे बॉन्डिंग, तो उसके बाद की है फीस नहीं कोई वाजिब हो। हाँ ये लॉजिक समझता है भाई, बच्चा पढ़े डॉक्टर पढ़े हम वो करें हैं, तो स्टेट का एक साल का करें, एक साल स्टेट को सर्व करें, वो तो समझ में आ रही है। 8 साल ना नौकरी, यहाँ के डॉक्टर नौकरी डॉक्टर पूरे तो होते नहीं, नौकरी तो है नहीं, ये डॉक्टर और ऐसी परिस्थिति कर रहे हैं। देखिए 2005 से पहले एक ही मेडिकल कॉलेज था, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे। अब यहाँ पे सुविधा दी है तो इसका मतलब जी आप बॉन्डिंग करके और इतनी फीस बढ़ा के यहाँ के बच्चे फिर बाहर जाने लग जाएंगे। सर पोर्टल की बात करते हो आप, पोर्टल को लेकर जिस तरह सरकार, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पोर्टल से जो दूसरी पहले की सरकारों में जो घोटाले हुए थे उनको रोकने के लिए पोर्टल ने ही घोटाले किए हैं। आप किसान से पूछो किसी से, पोर्टल से नंबर आएगा उसका, उसकी फसल तैयार है ट्रॉली में तैयार कर रखी है और 3 दिन तक इंतजार करेगा, उसके समय कहाँ है? उसके पास एक फसल काट के दूसरी समय फसल मरने का समय कहाँ है? कहें पोर्टल आएगा, पोर्टल नंबर बताएगा, वो कितना धान के खरीद का घपला है वो बाहर आएगा पोर्टल से, पोर्टल से जाता है गेट पास दिया जाता है कि पोर्टल देता है गेट पास, होता है नहीं, जाता है खाली दिखाते हैं और घपले हो रहे हैं। अच्छा एक राजस्थान तो सरकार पोर्टल 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 कई चीज़ों में ठीक है, हर चीज़ में पोर्टल करना है, पोर्टल सरकार है, फिर अगर पोर्टल से ही सरकार चलनी है तो मंत्रियों की अफसरों की क्या जरूरत है, वहाँ पोर्टल बैठा दो चलती रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।